अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ बायोलॉजी, 10th बायोलॉजी, लेसन नंबर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है 10th बायोलॉजी में, लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कल हमने ग्राफ बनाया था नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पार्ट है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो बना होता है किससे बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से। इसमें दो मेन पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सो नेम्ड बिकॉज इट इंटीग्रेट्स द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका नाम क्यों सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन ये रिसीव करता है, ये उस इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करता है, ये उस इंफॉर्मेशन पे इन्फ्लुएंस करता है और हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को ये बेटा कंट्रोल करता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट एंड ग्रे मैटर। ये बेटा किसका बना होता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होता है, द व्हाइट मैटर कंसिस्ट्स ऑफ एक्सॉन एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। हम कहते हैं व्हाइट मैटर जो है बेटा इसमें क्या आता है, एक तो बेटा एक्सॉन, मगर बेटा कौन सा एक्सॉन, इसमें आता है बेटा माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है बेटा, यहां आपको याद रखना है इसमें कौन सा एक्सॉन बेटा आता है, माइलिनेटेड, जिसमें माइलिन होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और सेल जिनको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। While the grey matter consists of neurons and unmyelinated fibers, grey matter में बेटा क्या होता है, neurons, मगर neuron का कौन सा part बेटा, cell body। यहां वहां आपको बेटा याद रखना है neuron में कौन सा part बेटा, cell body। ठीक है बेटा, cell body neuron की और unmyelinated fibers, unmyelinated fibers कौन से बेटा, वो माइलिन का वो ये एग्जॉन का वो पार्ट जिसपे माइलिन शीथ नहीं होता है। ठीक है बेटा, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं व्हाइट मैटर वो होता है जो जिसमें क्या होता है बेटा, जो किसका बना होता है, एग्जॉन का, मगर माइलिनेटेड एग्जॉन का और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ग्रे मैटर वो मैटर होता है जो बना होता है न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स इन द सेंस सेल बॉडी, और इसके साथ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या माइलिनेटेड एक्सॉन। इट इज रेफर्ड टू एज सेंट्रल। क्यों हम इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट कंबाइन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी अक्रॉस द होल ऑर्गेनिजम्स। पूरी बॉडी से यह इंफॉर्मेशन लाता है और पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को यह कंट्रोल करता है। द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और बोथ हाउस्ड विद ए प्रोटेक्टिव ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेनिंजेस। ये जो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दोनों पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, बाउंड होते हैं एक मेम्ब्रेन में, जो ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। और बेटा कल हमारा टॉपिक यही होगा, यही मेनिंजेस क्या होते हैं। थैंक यू बेटा।